मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। ये वीडियो है खेरी लोकसभा से सांसद अजय मिश्र का। अजय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं। अब इनके जवाब में किसान नेता ने क्या कहा वो सुनिए। खीमपुर के किसान पिछले 10 महीने से लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं, जो गाजीपुर मोर्चे पर बैठे हैं, किसान के किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो शांतिपूर्वक झंडे दिखा रहे थे काले, अपना प्रतीकात्मक विरोध कर रहे थे। उसी के विरोध में एक सभा के अंदर मंत्री जी का ये बयान आना एक जो है शर्मनाक करने वाला है। बीजेपी नेताओं की भाषा का स्तर जीडीपी से भी अधिक गति से गिर रही है। और भाषा में गुंडे की बात करें तो बेरोजगारी दर से भी अधिक दर से बढ़ रही है। ताजा उदाहरण पेश किया है, जैसा कि हमने वीडियो दिखाया अजय मिश्र ने। अजय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। अजय कहते हैं कि उनके क्षेत्र में किसान आंदोलन का कोई लेना देना है नहीं, लेकिन उसी क्षेत्र के पत्रकार प्रभाकर शर्मा की दी हुई जानकारी बिल्कुल अलग तस्वीर बयान करती है। लखीमपुर खीरी के किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन करते रहे हैं, तो ये कहना गलत होगा कि लखीमपुर खीरी में कोई आंदोलन नहीं चल रहा है। खैर, अजय मिश्रा बीजेपी के कोई पहले नेता नहीं है जिसने किसान आंदोलन या फिर किसानों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां कर चुके हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कुछ दिनों पहले एक कार्टून पोस्ट किया गया। इस कार्टून में लगभग धमकाने के लहजे में किसानों को कहा गया कि वो लखनऊ आकर दिखाएं। लेकिन इसके बाद किसानों ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत, इस महापंचायत में शरीक हुई भीड़ ने यह साबित किया कि उत्तर प्रदेश में लगातार किसानों का आंदोलन मजबूत हो रहा है और किसानों की आवाज बुलंद हो रही है। इसके बाद बीते 27 सितंबर को जो भारत बंद का आयोजन किया गया था, उस आयोजन में भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सक्रियता दिखी और उसने इस बात पर मुहर लगा दी। लेकिन बीजेपी के किसान विरोधी नेताओं को शायद ये तस्वीर दिखती नहीं है। गौरतलब है कि पिछले 10 महीनों से अधिक समय से लगातार कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग के साथ किसान आंदोलन कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से आए हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। अहिंसक प्रदर्शनों के जरिए, आंदोलन के जरिए लगातार ये मांग की जा रही है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। समय समय पर अन्य हिस्सों में भी आंदोलन की सक्रियता दिखती है। 27 सितंबर को हुआ भारत बंद भी इसका एक उदाहरण है। भारत बंद से कुछ रोज पहले अजय मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और खेरी के सांसद एक कार्यक्रम के तहत पलिया जा रहे थे। वहां किसान नेताओं ने तयशुदा कार्यक्रम के तहत उनका विरोध दर्ज किया, काले झंडे दिखाए, लेकिन मंत्री महोदय भड़क गए और भड़क कर उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। यहाँ आंदोलन क्यों नहीं फैल गया? क्यों ही वह 10-15 आदमी, अगर हम उतर भी जाते तो भागते हुए रास्ता नहीं मिलता। अगर मैं वहां उतर जाता तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। हालांकि किसान नेता तेजिंदर सिंह विर्क ने उनको माकूल जवाब दिया है। किसान संयुक्त मोर्चा आपको चुनौती देता है कि जिस दिन, जिस तारीख, जिस समय पे आप कहोगे उस दिन आपके घर पर आने को किसान तैयार है और आपको पूछेगा कि किसान कानून किसान के हित के हैं और किन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। बहरहाल अजय मिश्रा कह रहे हैं कि वो उतर जाते तो किसान भाग जाते, लेकिन पिछले 10 महीने का हिसाब किताब तो ये कहता है कि किसान तमाम कोशिशों के बावजूद कहीं भागे नहीं। अगर कोई भाग रही है तो वो है सरकार। जी हाँ, सरकार भाग रही है किसान आंदोलन से, सरकार भाग रही है उस चर्चा से जिस चर्चा को करना चाहते हैं तमाम किसान अपने हित में। अगर सरकार नहीं भागती तो 400 से अधिक किसानों को जान नहीं गंवानी पड़ती। आप देखते रहिए पॉलिटिक्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया।